और बिहार में पांचवें चरण की पांच सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई। 6 बजे तक कुल मिलाकर 55.85% वोटिंग हुई। 2019 में इन पांच सीटों पर 57.07% वोट पड़े, यानी पांचवें चरण में 2019 के मुकाबले करीब 0.25% कम वोटिंग हुई है। सील होती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इन तस्वीरों के साथ लोकसभा चुनाव की पांचवें चरण की वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। बिहार की पांच सीटों पर शाम 6 बजे तक 55.85% वोटिंग हुई है। 2019 में इन पांच सीटों पर 57.07% वोट पड़े थे, यानी इस बार 2019 के मुकाबले करीब 0.25% कम वोट पड़े हैं। सीट वाइज वोट परसेंटेज की अगर बात कर ले तो बिहार की पांच सीटों में सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में वोटिंग हुई है। मुजफ्फरपुर में शाम 6 बजे तक 58.10% वोट पड़ी, जो 2019 के मुकाबले करीब 2% कम है। मुजफ्फरपुर सीट पर 2019 में 61.00% वोटिंग हुई थी। यहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी के राजभूषण निषाद और बीजेपी से कांग्रेस में आए अजय निषाद के बीच है। अजय निषाद 2 बार मुजफ्फरपुर से बीजेपी के टिकट पर सांसद रहे हैं। टिकट कटने के बाद अजय निषाद ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरकर मुजफ्फरपुर के चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। सीतामढ़ी में शाम 6 बजे तक 57.55% वोटिंग हुई। 2019 में सीतामढ़ी सीट पर 59.08% मतदान हुआ था, जो इस बार के मुकाबले करीब 1.5% ज्यादा है। सीतामढ़ी में जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर का मुकाबला आरजेडी के अर्जुन राय से हुआ है। पांचवें फेज की सबसे हॉट सीट रही हाजीपुर और सारण। सारण में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य और बीजेपी के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के बीच मुकाबला है। सारण में शाम 6 बजे तक 54.50% वोटिंग हुई, जबकि सारण लोकसभा सीट पर 2019 में 56.48% वोटिंग हुई थी, जो इस बार के चुनाव से करीब 2% ज्यादा है। पांचवें फेज की दूसरी सबसे चर्चित सीट है हाजीपुर। हाजीपुर सीट की चर्चा खूब हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली करके खुले मन से एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान के लिए लोगों से वोटों की अपील की। हाजीपुर में शाम 6 बजे तक 56.84% वोटिंग हुई, जबकि हाजीपुर लोकसभा सीट पर 2019 में 55.22% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार हाजीपुर में 2019 के चुनाव से करीब 1.5% ज्यादा मतदान हुआ है। पांचवें फेज के चुनाव में पांचवी सीट है मधुबनी। मधुबनी में शाम 6 बजे तक 52.20% वोटिंग हुई। 2019 में मधुबनी सीट पर 53.72% वोटिंग हुई, जो इस बार के चुनाव से करीब 1.5% ज्यादा है। मधुबनी में बीजेपी के अशोक कुमार का मुकाबला आरजेडी के अली अशरफ फातमी से है। बीजेपी से 2019 में भी अशोक यादव ने जीत दर्ज की थी। बिहार के इन पांच सीटों पर वोटर ने अपना फैसला सुना दिया है। 82 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। किसे जनता ने आशीर्वाद दिया है, ये 4 जून को पता चलेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी और वोटों की गिनती लगातार होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब जरा पांचवें चरण की वोटिंग परसेंटेज को आपको समझाते हैं। पांचवें चरण में बिहार की पांच सीटों पर शाम 6 बजे तक 55.85% वोटिंग हुई है और पांचवें चरण का रण 2024 में यही देखने को मिला। मधुबनी की अगर हम बात कर लें तो मधुबनी में 2024 में 52.20% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं सीतामढ़ी में 2024 में 57.55% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हाजीपुर में 2024 में 56.84% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मुजफ्फरपुर में 2024 में 58.10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सारण आपको लिए चलते हैं। सारण में 54.50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब जरा 2019 के मुकाबले 2024 की वोटिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले पांचवें चरण में बिहार की कुल मिलाकर पांच सीटों में वोटिंग हुई
और वोटिंग का क्या प्रतिशत है वो आपको इस बार ग्राफ के जरिए, पाई चार्ट के जरिए समझाते हैं। पांचवें चरण का रण 2024 और 2019 का मुकाबला करेंगे। 2019 में अगर हम बात करें तो 55.85% लोगों ने 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वहीं 57.07% लोगों ने 2019 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। सारण की अगर हम बात करें तो सारण में 2024 में 54.50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वहीं 2019 में 56.48% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सीतामढ़ी में 2024 में 57.55% और 2019 में 59.08%। हाजीपुर जो बहुत ही हॉट सीट है चिराग पासवान के लिए, साख बचाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस सीट की भी हम चर्चा करेंगे। 2024 में यहां पर 56.84% मतदान हुए और 2019 में 55.22% मतदान हुए थे। मुजफ्फरपुर में 2024 में 58.10% और 2019 में 61.00%। मधुबनी की बात कर लें, मिथिलांचल का क्षेत्र 2024 में 52.20% और 2019 में 53.72%। यानी कि बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो वोटिंग में अंतर नहीं है, मतदाताओं के प्रतिशत में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी 2019 से 2024 के मुकाबले वोटिंग कम हुई है। अब आपको ये भी समझाते हैं कि चुनाव में कम वोटिंग की वजह आखिर क्या है, क्यों बार बार वोट प्रतिशत कम सामने आ रहे हैं पिछले 5 सालों पहले की अपेक्षा, यानी कि 2019 की अपेक्षा। दरअसल बिहार में 7 चरण में लोकसभा का चुनाव है और 5 चरण की वोटिंग अब तक हो चुकी है। 5वें चरण में भी कम ही वोटिंग हुई। कम वोटिंग की कई सारी वजहें हो सकती है। पहली, गर्मी का मौसम और काफी तेज गर्मी पड़ रही है, तापमान 40 के पार है और ऐसे में लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। 2019 में भारत ने बालकोट में एयर स्ट्राइक किया था। एयर स्ट्राइक की वजह से राष्ट्रवाद का माहौल चरम पर था और सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से मोदी में पूरा देश हो गया था और इस बार एयर स्ट्राइक जैसा किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। लोगों में जागरूकता का अभाव भी नजर आ रहा है। कम वोटिंग एक बहुत बड़ी वजह लोगों की कम जागरूकता हो सकती है। हालांकि ये हम नहीं कह सकते कि कम वोटिंग से किसे फायदा होगा, लेकिन इस वक्त जरूरत है लोगों को इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की। न्यूज 18 भी आपसे बार बार यही अपील करता है। बढ़ते आगे और झारखंड में अब तक के वोटिंग प्रतिशत की हम बात करेंगे तो झारखंड में 63% वोटिंग हुई, चतरा में 62.96% और हजारीबाग में 64.08%। तो ये झारखंड का आपको हम बता रहे हैं आंकड़ा कि झारखंड में आज कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे पहले 2024 यानी कि आज की तारीख की बात कर लें तो कुल मिलाकर झारखंड में 63% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 2019 में ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा था, 2% और था, 65.56%। यानी कि झारखंड में भी इस दफा 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से 3 सीटों का गणित भी दिखाते हैं, 3 सीटों का आंकड़ा दिखाते हैं। 2024 में 64.08% हजारीबाग का आंकड़ा है और 2019 में 64.85%। तो शून्य के बाद ये जो आंकड़ा है उसमें परिवर्तन आपको जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन फिर भी 2024 में यह आंकड़ा थोड़ा कम है। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं चतरा लोकसभा सीट और वहां पर क्या हुआ, कोडरमा में क्या हुआ वो आंकड़ा भी आपको बताते हैं। कोडरमा में 61.86% मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में 66.68% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो ये देखिए, अगर हम तुलनात्मक तरीके से देखें तो 2019 का आंकड़ा बहुत ही बेहतर है। और अब आपको चतरा लिए चलते हैं। चतरा में 2024 में 62.96% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 2019 की अगर हम बात करें तो 64.94% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यानी कि तुलनात्मक तरीके से देखें तो 2019 के मुकाबले 2024 में वोटिंग प्रतिशत झारखंड का भी कम रहा है। और ये आंकड़े कम क्यों है इसके बारे में भी हमने आपको पूरी तरह जानकारी दी है। और हर बार की तरह इस बार भी चुनाव कवरेज में न्यूज 18 का जलवा देखने को मिला है। वोटर कतारों में वोटिंग के लिए खड़े थे तो अधिकारियों की नजर न्यूज 18 की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। कैसे चुनाव आयोग के अधिकारी पल पल की जानकारी न्यूज 18 पर ले रहे थे, रिपोर्ट के जरिए समझिए।
चुनाव का मतलब न्यूज 18। ये हम यूं ही नहीं कहते, कोई भी चुनाव हो हमारी कवरेज सबसे तेज और सटीक होती है। तभी लोकसभा चुनाव के हर फेज में हम दूसरों से काफी आगे रहे। वोटर ही नहीं, चुनाव आयोग के अधिकारी भी हमारी टीवी स्क्रीन पर ही नजर टिकाए हुए थे। ये तस्वीरें मधुबनी जिले की हैं, जहां जिला समाहरणालय में कंट्रोल रूम बनाया गया था। यहां भी न्यूज 18 का जलवा देखने को मिला। डीएम खुद पूरी खबर पर नजर बनाए हुए थे, जिलाधिकारी के साथ ही इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी।